फिल्म का नाम है एनिमी. एनिमी आप जानते हैं क्या मतलब. तो जो आज शूटिंग हो रही है वो एक गाने की शूट हो रही है. एक पब में गाना हो रहा है और हम लोग वहाँ आते हैं, वहाँ कुछ बातचीत होती है, उसकी शूटिंग हो रही है. और मेरा किरदार जो है वो नईम. हम चारों जो हैं वो कॉप्स हैं, चारों के चारों. और एक इमोशनल एक्शन ड्रामा है ये फिल्म. नीमो एक झटके में पकड़ लेता है, दैट्स हिज प्लस पॉइंट. पुलिस वाले हम किसी को ढूंढने आए और एक केस के बारे में, एक मैटर के बारे में, और उसी उसे खोजने आए. और जब हम देखते हैं कि नीमो भाई साहब जो है जो वो लगे हुए हैं और मैखाना खुद लूट रहे हैं. मैंने इनके बाप को भी नचाया, इनको भी नचाया, दोनों भी अलग अलग अच्छा नाचते. ये स्टाइल मिथुन जी की नहीं. आई एम प्लेइंग अ कॉप, आई एम प्लेइंग द यंगेस्ट ऑफ द एलीट ग्रुप यहाँ पर. एंड यू नो दे ऑलवेज कीप ऑन पुलिंग माय लेग ऑन एंड ऑफ स्क्रीन. And it was the most important was the chemistry film ka, and I think it's all thanks to my director KK sir, Anna and Johnny bhai, that is film ki chemistry aapko zarur dikhai degi. Isme bilkul main alag dikhai dunga thoda sa, kyunki mujhe hamesha logon ne jis kidar mein dekha hai comedy karte hue, lekin isme comedy ke sath sath thoda sa serious scenes bhi hain. Kuch aise moments hain jisme main thoda serious lagunga, to वो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ. और हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि हाँ जॉनी भाई को कुछ अलग देना चाहिए. और मुझसे भी लोग चाहने वाले बोलते हैं कि यार जॉनी भाई कुछ अलग करो ना, कुछ अलग करो. तो मुझे खुशी है कि इसमें मैं कुछ थोड़ा अलग दिखाई दूँगा. और बाकी वो झटके तो होंगे जो मेरे झटके हैं. चार आदमियों को, छः आदमियों को एक साथ अगर बिठा दो, इन लोगों ने मतलब कुछ लोग हैं जो पहली बार आपस में काम कर रहे हैं, मैं तो पहली बार इनके साथ काम कर रहा हूँ. और मेरा काम तो सबसे सिंपल था, क्योंकि जब आप एक अच्छे एक्टर के सामने कैमरा रख दो तो मुझे कैमरा के साथ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्टर सब करता है. एंड दीज पीपल हैव एक्सेल्ड इन एवरी सिंगल फॉर्म, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब इन्होंने किया. तो मेरा काम तो सबसे सिंपल था, मेरे पास एक एक दिग्गज थे, चाहे वो दादा हो, मैंने दादा के साथ पहले काम किया है. नीमो ने मुझे सरप्राइज़ किया है. नीमो मतलब जिस मेच्योरिटी और जिस लेवल तक उसने जाकर के काम किया है, और फिर इन दोनों ने, इन सबों ने एक दूसरों को जो हेल्प किया है, वो जाकर के एक टीम वर्क बनती है जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा. यही चीज़ हमको स्क्रीन के पीछे भी थी.